आज हम बात करेंगे गुलाम नंबर 8 की, यानी कि पर्सनालिटी नंबर 8। जिन लोगों का बर्थ किसी भी मंथ की 8th, 17th या 26th को होगा, वो गुलाम नंबर 8 होते हैं। नंबर 8 वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उनका जो सक्सेस है वो स्ट्रगल के बाद ही उन्हें मिलता है। हार्डवर्क के बाद ही वो सक्सेस पाते हैं। बहुत हठ योगी होते हैं। किसी भी काम को वो शुरू करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं। लगे रहने के बाद ही उन्हें सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करते हैं। प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। अपनी बात को, अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी से व्यक्त नहीं करना चाहते। सिर्फ काम करने में, कर्म करने में विश्वास करते हैं। वचन के पक्के होते हैं, दिल के साफ होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं। स्लो स्टार्टर्स होते हैं। उनका कोई भी काम बहुत टीडियस वे में शुरू होता है। बहुत मेहनत के बाद ही उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती है, उसी के बाद वो सफल हो पाते हैं। और कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं और अच्छे बैंकर्स होते हैं। मनी माइंडेड होते हैं तो वो फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। लाइफस्टाइल या तो बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है या एकदम लो होता है। जैसे कि नंबर 8 वाले लोग या तो जज हो सकते हैं और नंबर 8 लेबर भी होता है। बहुत कंजूस होते हैं बट उन्हें पैसे की वैल्यू होती है क्योंकि हार्ड अर्न मनी होता है। और इसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिकलिटी से चलते हैं। बिजनेस में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, बीइंग आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी सब चीज़ों में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इनिशियली उनके रिलेशनशिप में स्ट्रगल होता है, बाद में वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि वर्कहॉलिक है और थोड़ी सी कम रोमांटिक है, एक्सप्रेसिव भी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप में जो कुछ इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है उनकी लाइफ में, तो उन्हें रिलेशनशिप में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बट फाइनली वो लेट ईयर्स में रिलेशनशिप में एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये थी कुछ बातें नंबर 8 के लिए। अब नंबर 8 आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या पॉजिटिव, इस पर ही आपके ये सारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जान पाते हैं कस्टमाइज कैलकुलेशन के साथ। अगर आप भी अपना कस्टमाइज न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।